गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. टुडे वी विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर दैट इज़ द पी ब्लॉक एलिमेंट. जैसा कि आपको याद होगा कि आपने जो पी ब्लॉक है इसका कुछ पोर्शन जो ग्रुप 13 और ग्रुप 14 था वो क्लास 11th में किया है. क्लास 11th की जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनको एक बार आप जल्दी से रिवाइज़ कर लेंगे. तो जो जो टर्म्स हैं हम जो यूज़ करते थे क्लास 11th के अंदर उनको एक बार आपने फटाफट जल्दी से रिवाइज़ कर लेना है. दूसरा, आपको जो एलिमेंट्स हैं ग्रुप 15, 16, 17, 18 उनके जो एलिमेंट्स हैं वो आपको लर्न होने चाहिए. और यहाँ पर हम जो स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ द ग्रुप 15. तो ग्रुप 15 में जो एलिमेंट्स हैं हमारे, सबसे पहले तो फर्स्ट हमारा एलिमेंट है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सनिक, एंटीमनी और बिस्मथ. दीज आर द मेम्बर्स ऑफ द ग्रुप 15. तो ग्रुप 15 के ये मेम्बर्स हैं. और इसमें आपको जो करना क्या है, इसमें आपको मेनली जो ध्यान रखना है, जो आपने क्लास 11th में चीज़ें की थी लगभग वही चीज़ें होने वाली हैं, रीज़न भी वही रहने वाले हैं. लेकिन यहाँ पर आपको करना क्या है, हर एक पॉइंट्स को अच्छे से समझना है. सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो अक्रेंस की बात करें, तो जो हमें अर्थ में या हमारी सराउंडिंग में ये जो सब्सटेंस मिलते हैं इसके पीछे मिलने का जो एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि आप नोट करेंगे जो भी सब्सटेंसेस जिनका मास क्या होगा कम होगा वो नेचर में आपको ज़्यादा अमाउंट में मिलेंगे, और जिनका मास ज़्यादा होगा वो नेचर में आपको कम अमाउंट में मिलेंगे. दैट मीन्स जैसे जैसे हम नाइट्रोजन से फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ की तरफ जाते हैं तो जो ये नीचे वाले हैं इनके मिलने के चांसेस कम होंगे. दैट मीन्स इनकी जो अबंडेंस होगी वो लेस अबंडेंस होगी अर्थ के अंदर. और यहाँ पर देखें तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस ये आपको ज़्यादा अमाउंट में मिलने वाले हैं. क्यों? क्योंकि इनका मास कम है. जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो मास बढ़ता है, मास बढ़ेगा तो उनके मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे. तो अब अक्रेंस में आपको ये चीज़ याद रखनी है, लगभग सभी पे अप्लाई होगा. अगर हम बात करते हैं सेकंड जनरल करेक्टरिस्टिक्स की, तो जनरल करेक्टरिस्टिक्स में आपको क्या क्या करना है, जैसे कि फर्स्ट हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आ जाता है. अगर हम सेकंड बात करें तो एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सारी चीज़ें हम इसमें ऑब्जर्व करने वाले हैं. तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर आते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या करती है, जो हमारे पी ब्लॉक है उनकी केमिस्ट्री को इन्फ्लुएंस करती है, कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है मेनली वही बताएगी कि वो जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने वाला है कि कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा. और उसकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर हम पूरे पी ब्लॉक की बात करें तो नोबल गैस NS2NP3, अगर हम बात करते हैं पूरे पी ब्लॉक के लिए लेंगे तो NP126 होगी. लेकिन हम ग्रुप 15 की बात कर रहे हैं तो ग्रुप 15 में अगर हम यहाँ पर एक पर्टिकुलर देखें तो पूरे पी ब्लॉक के लिए क्या है, NS2NP126. लेकिन फॉर पी ब्लॉक में अगर हम ग्रुप एक पर्टिकुलर ग्रुप लेते हैं दैट इज़ ग्रुप 15, तो उसके लिए आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज़ NS2NP3. तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे पी के अंदर. अगर हम यहाँ पर चेक करें इंडिविजुअल हर एक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फॉर एग्जांपल हम नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो नाइट्रोजन की क्या होगी, दैट इज़ हीलियम 2s2 2p3, और फॉस्फोरस की क्या होगी, नियॉन 3s2 3p3. और अगर हम यहाँ पर आर्सनिक की बात करें तो आर्सनिक की क्या होगी, आर्गन 3d10 4s2 और 4p3. अगर हम एंटीमनी की बात करें तो क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p3, और बिस्मथ की बात करें तो जिनॉन 4f14 5d10 6s2 6p3. तो दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट. अब आप यहाँ पर जो चीज़ नोट करेंगे, यहाँ पर अगर हम देखें तो जो डी स्टार्ट होता है वो थर्ड लेवल से होता है, तो 3d इज अवेलेबल. अगर हम यहाँ पर बात करें आर्सनिक के बाद जब एंटीमनी में जाते हैं तो 4d आ जाता है, और जब एंटीमनी से बिस्मथ की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर 4f आ जाता है, क्योंकि आपको पता है 4f को हम 5d से पहले फिल करते हैं. तो जो ये डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल जब इंट्रोड्यूस होते हैं तो ये भी इसकी केमिस्ट्री को इन्फ्लुएंस करेंगे. जो एक पर्टिकुलर अगर हम बात करें इसका इफेक्ट क्या होने वाला वो आपको आगे क्लियर होगा. नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टी. अगर हम एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, सबसे पहले आती है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस. ये क्लास 10th से आपने किया हुआ है और पीछे भी आपने सिंपल सा एक जनरल कंसेप्ट है जो समझना है कि जब भी हम क्या करते हैं अलोंग द पीरियड मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है, दैट डिक्रीजेस, बट डाउन द ग्रुप क्या होती है, इंक्रीजेस. तो इसका मतलब अगर हम नाइट्रोजन से फॉस्फोरस पे जाएंगे तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी, और फॉस्फोरस से एंटीमन आर्सेनिक की तरफ जाएंगे तो भी इंक्रीज होगी, और आर्सेनिक से
एंटी मनी की तरफ जाएंगे तो भी इंक्रीज होगी, लेकिन आप यहां पर एक चीज नोट करेंगे कि जो स्टार्टिंग में इंक्रीज है दैट इज नाइट्रोजन से फॉस्फोरस में जाएंगे तो जो इंक्रीज है वो ज्यादा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो वो इंक्रीज कम हो जाता है। उसके पीछे रीजन क्या है? ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल। तो इसका मतलब जो ये डी और एफ ऑर्बिटल्स हैं कंप्लीटली फिल्ड हैं लेकिन ये उतनी शील्डिंग नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से होता क्या, जितना साइज इंक्रीज होना चाहिए उतना इंक्रीज नहीं हो पाता है। दैट मींस इंक्रीज तो होता है लेकिन जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इतना इंक्रीज होना चाहिए, कहने का मतलब स्टार्टिंग में जो इंक्रीज है वो ज्यादा है और जो बाद में इंक्रीज है वो कम है। अगर ये चीज अगर हम मान के चलें तो सारी चीजें किस पे डिपेंड करती है? एटॉमिक रेडियाई के ऊपर। जैसे अगर हम बात करें आयनेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटेलिक रिएक्टर, नॉन मेटेलिक रिएक्टर, ऑल दिस डिपेंड्स ऑन एटॉमिक रेडियाई। जब एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड रेगुलर नहीं है तो इन सभी का ट्रेंड भी रेगुलर नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं आयनिक रेडियाई, तो जो ट्रेंड एटॉमिक रेडियाई शो करता है वही ट्रेंड कौन शो करेगा? आयनिक रेडियाई। तो आपसे पूछा जाए व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियाई, तो डाउन द ग्रुप इट इंक्रीजेस। आयनिक रेडियाई भी क्या होगी? इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। फिर सेकंड पॉइंट आता है आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन अच्छे से आनी चाहिए। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि आयंस में कन्वर्ट होने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, कौन सा आयन? अगर हम बात करें कैटायन, तो डेफिनेशन फॉर आयनाइजेशन एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन from an isolated gaseous atom to form an isolated gaseous cation is called ionization enthalpy। अगर हम ionization enthalpy इसकी compare करें किसकी? group 15 की, तो आप क्या नोट करेंगे कि इसकी जो ionization enthalpy है वो क्या होने वाली है? यहां पर अगर हम देखें तो down the group क्या होगी? decrease होगी। क्यों होगी decrease? क्योंकि अगर हम यहां पर check करें तो जो ये group है इसमें जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। अब साइज इंक्रीज होगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, तो जितना इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी होगा। क्यों होगा? किस लिए? क्योंकि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है दैट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। नाइट्रोजन से फॉस्फरस, फॉस्फरस से आर्सेनिक, अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी? इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई। अगर हम यहां पर बात करें नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है? पहले आपको डेफिनेशन सारी आनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द एबिलिटी ऑफ द एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो इसने क्या करना है, जो भी हमारा क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, जो भी शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी किस पे डिपेंड करती है? साइज के ऊपर। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो दैट मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। फिर मेटेलिक करेक्टर पर आ जाते हैं, तो आप यहाँ पर मेटेलिक करेक्टर में देखेंगे कि जो अगर हम यहाँ पर देखें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, तो फर्स्ट टू आप देखेंगे ये क्या है? नॉन मेटल्स हैं। ये दोनों क्या हैं? मेटलॉइड्स हैं। और लास्ट क्या है? दैट इज टिपिकल मेटल है, बिस्मथ इज द टिपिकल मेटल। तो अगर हम यहां पर देखते हैं तो आप क्या नोट करेंगे, देखने से पता चल रहा है कि फर्स्ट टू क्या है? नॉन मेटल्स हैं, नेक्स्ट टू क्या है? मेटलॉइड्स हैं, और लास्ट क्या है? मेटल है। तो मेटेलिक करेक्टर का ट्रेंड आप देख सकते हैं, तो डाउन द ग्रुप जैसे हम मूव कर रहे हैं तो मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस। और अगर हम बात करें नॉन मेटेलिक करेक्टर की, तो नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या होगा? दैट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। उसके पीछे रीजन वही है, सेम टू सेम, मेटल हैव अ टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन एंड नॉन मेटल हैव अ टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, जैसे ये नाइट्रोजन है, ये फॉस्फोरस है, फिर आर्सेनिक है, तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पर चेक करें तो डाउन द ग्रुप साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज होगा तो उसका इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब मेटल की टेंडेंसी नीचे क्या हो रही है? इंक्रीज। दैट मीन्स मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब आती है बात मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की। अगर हम आपके सामने यहाँ पर दो मॉलिक्यूल बना देते हैं ऐसे करके, ये वाले, अब इनके बीच में देखोगे तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है और इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। अगर हम यहां पर ऑब्जर्व करें तो जो वैन डर वाल फोर्सेस भी बोल सकते हैं, तो जो यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कम है, यहां पर ज्यादा है, तो होगा क्या, जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे
तो डाउन द ग्रुप मूव होने पर जब साइज बढ़ता है तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी इंक्रीज होती हैं, और आप नोट करेंगे कि फर्स्ट नाइट्रोजन क्या है, गैस है, फॉस्फरस क्या है, सॉलिड है। तो जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं तो पहला मेंबर क्या है, गैस है, बाकी सॉलिड्स हैं, दैट मींस वहां पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बढ़ रही हैं। तो जितनी ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी तो उसका इफेक्ट क्या होगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पे, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होगा, लेकिन आप नोट करेंगे कि जो इंक्रीज है स्टार्टिंग में अलग होगा और लास्ट में अलग होगा, उसका रीजन आपको क्लियर है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल। जो डी और एफ हैं वो उसको क्या करती हैं, उसकी केमिस्ट्री को इन्फ्लुएंस करती हैं। बताया था आपको कि जितना स्टार्टिंग में इंक्रीज होता है उतना बाद में नहीं होता है। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के ट्रेंड में भी आप थोड़ा सा वेरिएशन देखेंगे, लेकिन अगर हम रेगुलरली चेक करें तो there will be an increase in melting and boiling point. Next one है catenation. Catenation के बारे में आपको already पता है. Catenation क्या होती है? That is a self-linking property. तो self-linking property पे अगर हम आते हैं, तो जो catenation power है, अगर हम nitrogen की बात करें, तो nitrogen exists as N2, but phosphorus exists as P4. तो catenation power किसकी ज़्यादा है? Catenation power देखें तो phosphorus की ज़्यादा है. क्यों ज्यादा है, इसके पीछे क्या रीजन रहेगा? तो जब भी आपका कैटिनेशन आएगा तो आपको क्या ध्यान रखना है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड और फास्फोरस फास्फोरस सिंगल बॉन्ड को आपने कंपेयर करना है। तो यहां पर अगर हम चेक करें तो जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड है विच इज वीकर देन दैट ऑफ फास्फोरस फास्फोरस सिंगल बॉन्ड, इसका मतलब फास्फोरस फास्फोरस का जो सिंगल बॉन्ड है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है, किसके कंपैरिजन में, नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में। तो इसीलिए जो फास्फोरस है वो सिंगल बॉन्ड बनाना प्रेफर करता है, जबकि नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड स्टेबल ना होने की वजह से वो क्या बनाता है, मल्टीपल बॉन्ड। अब मल्टीपल बॉन्ड बनाएगा तो खुद के साथ क्या होगा, कम कंबाइन कर पाएगा, लेकिन फास्फोरस क्या करेगा, सारे सिंगल बॉन्ड बनाएगा, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा फास्फोरस अपने साथ कंबाइन कर पाएगा और इसकी जो कैटिनेशन पावर है वो ज़्यादा होगी। तो जब भी कैटिनेशन की बात आएगी, किसी भी ग्रुप में आएगी, तो आपको कंपेयर करना है उनके सिंगल बॉन्ड्स को। अब बात आती है एलोट्रोपी की। तो जो एलोट्रोप्स होते हैं वो आपने ऑलरेडी पढ़ा, जैसे कार्बन के कितने हैं, 3 एलोट्रोप्स हैं, कौन कौन से, सबसे पहले अगर हम बात करें डायमंड, ग्रेफाइट और फ्यूलरीन। इसी तरीके से यहाँ पर भी एक्सेप्ट नाइट्रोजन और बिस्मत, बाकी लगभग सारे क्या दिखाते हैं, एलोट्रोप्स दिखाते हैं। तो एलोट्रोप्स में अगर हम बात करें तो फॉस्फोरस के 3 एलोट्रोप होंगे यहाँ पर, कौन कौन से, रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस और वाइट फॉस्फोरस, जो कि एक्चुअली में आपका ये पोर्शन, इसमें से कुछ पोर्शन सीबीएसई ने क्या कर दिया, डिडक्ट कर दिया। आपको पता है 30% सिलेबस जो था आपका वो रिड्यूस हो गया है, तो उसी में जो आपका फॉस्फोरस वाला पोर्शन था वो कट हो चुका है, और इसमें आपको जो लिमिटेड पोर्शन है, जो जो आपको करवाएंगे वो लिमिटेड पोर्शन आपको अच्छे से करना है, क्योंकि जो आपका एग्जाम होगा उसमें उन्हीं में से ही क्वेश्चन आएंगे। तो इस चीज़ को आपने नोट डाउन करना है अच्छे से। एलोट्रोपी बताई मैंने कि इसमें क्या होते हैं, जो एलोट्रोप्स हैं एक्सेप्ट नाइट्रोजन और बिस्मत, फर्स्ट मेंबर और लास्ट मेंबर को छोड़ के बाकी सारे क्या दिखाते हैं, एलोट्रोपी शो करते हैं, नोट डाउन करेंगे इसको। एंड नेक्स्ट वन इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये जो ग्रुप 15 है वो -3 से लेकर +5 तक ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। जैसे अगर हम फर्स्ट मेंबर की बात करें, अकॉर्डिंग टू इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें तो NS2 NP3 है। तो जो ये 3 दिखाता है किसकी वजह से, जब आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन ये 5 दिखाता है अगर दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, कौन से, NS2 NP3 के, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, 5। लेकिन अगर खाली पी के पार्टिसिपेट करते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, 3। ये आपने ऑलरेडी पढ़ा भी है कि जो अपर मेंबर है और लोअर मेंबर है उनमें हमेशा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस होता है, दैट इज़ ए करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। तो यहाँ पर इसके पीछे रीजन क्या होता है, दैट इज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है वो क्या कहता है कि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो जो एस की एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो जो s ऑर्बिटल है उसके इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो क्या होगा, दे विल बिकम इनर्ट और देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर हम यहाँ नाइट्रोजन को देखें तो जो नाइट्रोजन है यहाँ पर NH3, NH2H4, हाइड्राजिन, ये हाइड्रोक्सिलामाइन है, NH2OH, N2, N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5। अगर इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो ये -3 से लेकर +5 तक सारी ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। अगर हम यहाँ पर बात करें, ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी नेगेटिव भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है और डिसप्रोपोर्शन भी दिखा सकती है। तो नेगेटिव में अगर हम बात करें, नेगेटिव की जो टेंडेंसी है
कौन सी? माइनस थ्री की, दैट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। जो माइनस थ्री ऑक्सीजन स्टेट है उसकी टेंडेंसी डिक्रीज होती है नाइट्रोजन से बिस्मथ। उसके पीछे रीजन क्या है? माइनस कब होता है? माइनस कौन दिखाता है? नॉन मेटल्स दिखाती हैं। जैसे कि अगर आपको पता है कि नाइट्रोजन नॉन मेटल है, फॉस्फोरस नॉन मेटल है, लेकिन आर्सेनिक एंटीमनी मेटलॉइड है, बिस्मथ क्या है? मेटल है। तो मेटल कभी भी नेगेटिव ऑक्सीजन स्टेट नहीं दिखाती है, दैट्स वाई द टेंडेंसी डाउन द ग्रुप डिक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन मेटेलिक करेक्टर। अगर हम बात करते हैं तो माइनस थ्री अपर मेंबर दिखा सकता है, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो माइनस थ्री के चांस कम होंगे। अब बात आती है पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट की। पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट में हम बात करें तो अपर मेंबर इज मोर स्टेबल इन प्लस फाइव वाइल द लोअर मेंबर इज मोर स्टेबल इन प्लस थ्री। दैट इज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो जो भी आपको बताया था कि इनर्ट पेयर इफेक्ट में होता क्या है कि जो अपर मेंबर है वो हायर ऑक्सीजन स्टेट दिखाएगा और लोअर मेंबर क्या दिखाएगा? लोअर ऑक्सीजन स्टेट। और कितने का डिफरेंस होगा? प्लस टू। इसके पीछे रीजन मैंने अभी आपको बताया कि क्या होगा कि जैसे जैसे हम नीचे मूव करते हैं तो इसमें पहले क्या होगा, मान के चलो 2s, फिर 3s, फिर 4s, फिर 5s, फिर 6s। तो जैसे जैसे s का क्या होगा, साइज बढ़ेगा, उसकी एनर्जी बढ़ेगी, तो उसके इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगेगी, विच इज़ नॉट इजिली प्रोवाइडेड। दैट्स वाई जो एस के इलेक्ट्रॉन है वो हो जाएंगे इनर्ट, इसलिए इसको बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, एंड देयर विल बी ऑलवेज ए प्लस टू ऑक्सीजन स्टेट डिफरेंस। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट, NCl5 इज नॉट पॉसिबल बट PCl5 इज पॉसिबल। तो दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर हम जो टर्म की बात कर रहे हैं वो है कोवेलेंसी। कोवेलेंसी का मतलब कि जो नाइट्रोजन है उसकी कोवेलेंसी मैक्सिमम 4 है, लेकिन ऑक्सीजन स्टेट की बात करें तो ऑक्सीजन स्टेट तो दिखा रहा है आपके सामने है। यहाँ पर अगर आपसे पूछे नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, प्लस 5। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है ध्यान से समझना है, NCl5 इज नॉट पॉसिबल बट PCl5 इज पॉसिबल। इसके पीछे जो रीजन रहेगा दैट इज द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, क्योंकि डी ऑर्बिटल के लिए जो स्टार्टिंग होती है वो थर्ड लेवल से होती है। तो नाइट्रोजन में अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखें तो 2s2 2p3, सेकंड लेवल पर डी ऑर्बिटल नहीं आती है, जो फर्स्ट मेंबर है हर एक ग्रुप का, जैसे हमारा ग्रुप 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, उसका फर्स्ट मेंबर, उसमें हमेशा एक जो आप नोट करेंगे चीज, उसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होगी। तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इट विल शो एनोमलस बिहेवियर। जो फर्स्ट मेंबर का एनोमलस बिहेवियर होता है उसमें हमने ये पॉइंट पहले भी पढ़ा हुआ है। तो फर्स्ट मेंबर का एनोमलस बिहेवियर है, बिल्कुल डिफरेंट रहने वाला है, नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी बाकी सभी से अलग रहने वाली है। तो यहाँ पर NCl5 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट डू नॉट कंटेन डी ऑर्बिटल। तो दैट मीन्स एबसेंस ऑफ डी ऑर्बिटल की वजह से नाइट्रोजन जो है वो क्या कर सकता है, अपनी कोवेलेंसी को एक्सटेंड नहीं कर सकता है बियॉन्ड 4। तो नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड ही बना सकता है, 5 बॉन्ड कभी नहीं बनाएगा, ये नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आती है बात डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन की। तो इसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस क्या करते हैं, डिस्प्रोपोर्शन ऑक्सीडेशन स्टेट को भी शो करते हैं, जिसमें आपको पता होगा डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शंस आर दोज इन विच ए सिंगल एलिमेंट इज ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस। यहाँ पर अगर हम नाइट्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट निकाले तो कितना आएगा, दैट इज प्लस 3, यहाँ पर निकाले तो दैट इज प्लस 5, और यहाँ पर निकाले तो दैट इज प्लस 2। तो अगर हम यहाँ देखें तो नाइट्रोजन प्लस 3 से प्लस 2 में जा रहा है, तो इसका मतलब डिक्रीज हो रहा है, प्लस 3 से प्लस 5 में जा रहा है तो इंक्रीज हो रहा है। तो सच टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच द ऑक्सीडेशन ऑफ सिंगल एलिमेंट इज इंक्रीज और डिक्रीज, दैट मीन्स यहाँ पर दोनों चीज़ें हो रही हैं, तो उस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शन। यहाँ पर अगर हम निकालें तो दैट इज प्लस 3, दिस वन इज प्लस 5, एंड दिस वन इज माइनस 3। तो आप यहाँ देख सकते हो प्लस 3 से प्लस 5 तो देर इज एन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, प्लस 3 से माइनस 3 तो दैट मीन्स देर इज ए डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों साथ साथ होती है उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज जो अभी तक आपने किए, इनको नोट डाउन करेंगे। तो इससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे एनसीईआरटी के अंदर इन टेक्स्ट एक्सरसाइज, उनको आपने ट्राई करना है। इससे रिलेटेड जितने भी आपके पॉइंट्स हैं उनको आपने अच्छे से लिख के प्रैक्टिस करनी है, और नेक्स्ट उसमें हम केमिकल प्रॉपर्टीज पर फोकस करेंगे। तो यहाँ पर आपकी मेनली क्या थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज।